हाँ शेखर, तो एक आजकल एक नया एक जॉब शुरू हुआ है शेखर, अफिलियट मार्केटिंग नाम का। मगर मेरा मसला इस जॉब का हलाल हराम का नहीं है, जो उसके काम के अंदर एक हर काम करने वाले पर फर्ज होता है शेख, कि वो अपना जो एडमिशन है वो दूसरों का भी कराते रहे वीडियोस के जरिए, चाहे इंस्टा में हो या यूट्यूब में उसके बारे में बताकर। लेकिन शेख, मैंने ऐसे कुछ नंबर सेव किए हैं शेख मेरे दोस्तों के, वो अपने स्टेटस में है ना शेख, मैंने फलाना फलाना महीने में इतने, एक दिन में मैंने इतना कमाया, मैंने महीने में इतना कमाया, ऐसा पोस्ट करते रहते हैं शेख बार बार। तो उसके साथ ये जो मुसलमान खातून भी है, लड़कियां हैं, उनका भी एक मसला है शेख, कि वो भी ये बताते फिरती हैं शेख कि देखिए मैं मुसलमान घराने से हूँ, यहाँ मुझे पढ़ने को रोका गया, इल्म लेने को रोका गया, आज मैं इतना कमा रही हूँ, वो इस तरह वो जबरन पोस्ट करवाते हैं शेख। तो इस रीजन की वजह से मैं दूसरों को बोल सकता हूँ शेख कि आप इसे ना करिए, टोटली हराम है करके, अगर काम हलाल हो भी तो। आपने कई बातें पूछ ली, वो जो आखिरी वाली बात है वो रीजन होना जरूरी भी नहीं है, वो तो दूसरा मसला है। देखिए, आपने इनका सवाल बेसिकली LML, एक जो मार्केटिंग का सिस्टम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो जी मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारे तरीके हैं। अभी आजकल जो लोग खबरों से दिलचस्पी है जिनको, वो देख रहे होंगे आजकल दो यूट्यूबर हैं जिनमें जंग चल रही है यूट्यूब पे, जी शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैं नाम यहाँ पे जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। जी जी सर तो मैंने उन खबरों का चूंकि ताल्लुक है जो है बिजनेस के मसाइल से, और हमें भी जरूरत होती है बतौर एक तालिब इल्म के, तो इसलिए हमें भी दिलचस्पी है उन मसाइल को जानने की, तो इसलिए मैं उनका मुताबा उनको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। तो बहरहाल उससे हमें दिलचस्पी नहीं है। मसला ये है कि ये जो मार्केटिंग का तरीका है, क्या ये हमारी शरीयत में जायज है कि नहीं? तो पहले मुख्तसर तौर से एकदम चंद जुमलों में उस मार्केटिंग में होता क्या है उसको आप जान लें। उस मार्केटिंग में यह होता है कि एक कंपनी है, वो जो कंपनी है उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है, और वो कंपनी आपको कहती है कि आप मेरे पास आइए, ये प्रोडक्ट खरीदिए, जैसे ही आप प्रोडक्ट मेरा खरीदोगे आप मेरे मेंबर बन जाओगे। अब जब आप मेरे मेंबर बन गए तो अब फिर आप मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे, आप दूसरे लोगों को मेंबर बनाओगे, और वो जी जो दूसरे मेंबर बनेंगे जब वो आएंगे हमारे पास और सामान खरीदेंगे तो वो भी मेंबर बन जाएंगे, और जी जितने लोग मेंबर बनेंगे आपके लाए हुए लोग, उनके बदले में आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, और उन पॉइंट्स के बदले में हम आपको कुछ रकम देंगे। वो सारा एग्रीमेंट में होता है कि कितना कितना परसेंट देंगे। तो पहले तो आप सामान खरीद के मेंबर बनते हो, उसके बाद दूसरे लोगों को आप मेंबर बनाते हो, जो आके सामान खरीद के वो भी मेंबर बनते हैं, फिर वो लोग दूसरों को बनाते हैं। इस तरह से एक चैन बनता चला जाता है, और वो चैन चाहे जहां तक जाए वो सिलसिला, जितने लोग मेंबर बनेंगे, जो पहला आदमी जिसने मेंबर बनाया था उसको पॉइंट्स मिलते रहेंगे सब लोगों की मेंबरशिप पर, और इसको रकम मिलती रहेगी, और दरमियान में जितने लोग आएंगे सबको इस तरह से रकम मिलेगी उस जो है कंपनी से। तो ये तरीका है इसमें मार्केटिंग का। अब शरीयत का नुक्ते नजर या शरीयत का मौकिफ, शरई हुक्म क्या है इस सिलसिले में, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने जो है, आपसे उस कंपनी ने कहा कि आप मेरे सामान या मेरा जो प्रोडक्ट है उसका प्रचार कीजिए और ग्राहक लाइए, कस्टमर ढूंढ के लाइए। जब आप जितनी बार आप कस्टमर लाओगे और मेरा प्रोडक्ट बिकेगा तो मैं आपको कमीशन दूंगा, ठीक है? तो किसी के प्रोडक्ट का प्रचार करना और कस्टमर ढूंढ के लाना और इस पर कुछ कमीशन लेना, यहां तक तो बात सही है, ये जायज है। जैसे आप मुझे कहो कि मेरे पास एक घर है, मैं बेचना चाहता हूं, अगर आप मेरे लिए कस्टमर ढूंढ के लाओगे तो जब घर बेचूंगा तो उसमें से इतना परसेंट आपको दूंगा। मैं कस्टमर ढूंढ के लाया मेहनत करके, अगर आप दोनों का सौदा तय हो गया तो आप मुझे उतना जो है कमीशन दोगे जितने पर हमारा इत्तेफाक हुआ है। इसको समसरा बोलते हैं फुकहा की इस्तेलाह में, जो कि जायज है। लेकिन यहां पर जो ये मसला LML का मसला है, इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि जी वो कस्टमर ढूंढने के लिए पहले जरूरी है कि वो मेंबरशिप ले, और मेंबरशिप लेने के लिए जरूरी है कि पहले सामान खरीदे, कोई प्रोडक्ट खरीदे। अब ये जो आदमी मेंबरशिप लेना चाह रहा है कस्टमर लाने के लिए, या
इसका मकसद वो सामान नहीं होता है, क्योंकि भाई कस्टमर लाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि मैं आपका सामान खरीदूं, मैं ऐसे ही आपके लिए कस्टमर ढूंढ के लाऊंगा। लेकिन वो कंपनी कहती है नहीं, पहले आप सामान खरीदो फिर कस्टमर ढूंढ के लाओ, पहले आप फंसो फिर दूसरों को फंसाओ। तो भाई अगर आपको मुझसे काम सर्विस लेना है तो आप मुझसे कहो कि कस्टमर ढूंढ के लाओ, आप मुझसे सामान क्यों बेच रहे हो अपना। तो असल में वो जो सामान बेचता है ना, वो दरमियान में सिर्फ बहाना होता है। असल कस्टमर का मकसद सामान खरीदना नहीं होता है, मेंबरशिप लेना होता है। तो जब वो सामान मकसद नहीं रह गया तो गोया कि इस मामले में दरमियान से सामान को हटा दीजिए, क्योंकि हमारे शरीयत में फिके में कायदा है कि अल कसूद व मुअस्सरतुन फिल उकूद, जो मुआमलात हैं अक्द वाले इनमें कस्द का दखल होता है, कस्द का एतबार होता है कि आपका जो कस्द है असल वो देखा जाएगा, जो आप दिखा रहे हो वो नहीं देखा जाएगा, जो मकसूद है उस अक्द का वो देखा जाएगा। तो आपका मकसूद तो मेंबरशिप लेना है, आपका मकसूद तो सामान खरीदना नहीं है, तो गोया कि सामान को दरमियान से हटा दीजिए, अब सामान का जिक्र मत कीजिए बीच में। अब आपने मान लीजिए 10,000 रुपया दे करके मेंबरशिप लिया, आप ये जो 10,000 पे कर रहे हो इस उम्मीद पर आप पे कर रहे हो कि इससे मैं लाखों में कमाऊंगा, और आप क्या कमाओगे, कुछ कमाओगे या कुछ नहीं कमाओगे या बहुत ज्यादा कमाओगे, कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है। यही जुआ है, यही जुआ है कि आप कहीं पर पैसा किसी को दो इस उम्मीद पर कि मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा, और हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। जुआ की तारीफ यही है। और देखिए यहां पर एक चीज, कोई इसको बिजनेस ना समझे, बिजनेस में तिजारत में क्या होता है कि आप पैसा देते हो, आपको पता होता है कि सामने से क्या मिलने वाला है, आप पैसा दिए सामान लिए, जिसको मुआवजा उकूदुल मुआवदात कहते हैं। ये मुआवदा नहीं है, मुखातरा है, पैसा लगा रहे हो, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। तो ये जो रकम आपने मेंबरशिप देने लेने के लिए दिया है, इसके एवज में जो आप तवक्को कर रहे हो वो तवक्को बिल्कुल मजहूल है, उसके बारे में कुछ नहीं पता है, और यही दरअसल जुआ है, इसी को कमार कहा जाता है, लिहाजा ये जायज नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने जो पहला चैन बनाया कस्टमर ला करके, उसके बदले में तो कंपनी ने आपको कुछ क्या नाम है वो दिया, कमीशन दिया, लेकिन वो जो आपका बनाया हुआ मेंबर है, जब वो दूसरे मेंबर बनाएगा तो उसका आपको क्यों मिल रहा है, किस बात के लिए मिल रहा है, वो तो आपने कुछ भी नहीं किया है उसके लिए। तो ये भी यहां पर गलत है कि वो जो है आपको उसका भी दिया जा रहा है। दरअसल ये अगर रिसर्च करने आप जाएंगे, इस तरह के जो कंपनियां हैं, जितने लोगों ने भी जो बिजनेस के माहिरीन हैं, सारे लोगों की तकरीबन यही राय है कि ये मुकम्मल धोखा है, और आखिर में इसमें कुछ भी नहीं हासिल होता है। अगर हो सकता है 2-4 लाख लोगों में दो चार लोग कमा ले, तो उन्हीं को वो सामने ला करके दिखाते हैं कि देखिए इन्होंने 10 लाख कमाया, बाकी सारे लोग रो रहे हैं। अभी YouTube पे देखिए हंगामा मचा हुआ है इस वक्त। तो ये सरासर धोखा है। और मैं ये कहता हूं शेख अरशद कि यही मसला जब हम शरीयत की रोशनी में जो ये बारीकियां मैंने अभी बताई, ये सारी चीजें जिन्हें शरीयत का इल्म नहीं है, ये जो माहिरीन है इक्तिसाद के, ये सारी बातें वो खुद भी बता रहे हैं, लेकिन हम जाहिर है इसको शरीयत की रोशनी में बता रहे हैं, और ये बातें हम सालों से बता रहे हैं, और ये आज का निजाम नहीं है, ये हमारी शरीयत का 1400 साल का निजाम है। तो ये समझ में उस वक्त नहीं आता है लोगों के, अभी ये यूट्यूबर जब इसको बता रहे हैं तब ये लोगों के समझ में आने लगा है। मैंने वो सारी तफसीलात जब सुनी तो मैं हैरान रह गया कि यही सारी तफसीलात हम बहुत जमाने से लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोग उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर, एक चीज मैं यहां और ऐड करूं, हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से 1979 या 75 सन, मुझे सही से नहीं याद है, एक कानून आया था इस तरह के मार्केटिंग में जो लोग स्कैम करते थे उनके खिलाफ एक कानून बना था। वो कानून क्या था कि जो कंपनियां लोगों को मेंबरशिप देती हैं, सिर्फ मेंबरशिप, और दूसरे कस्टमर मंगवाती हैं और सिर्फ मेंबरशिप की बुनियाद पर वो पैसे देती हैं, ये गैर कानूनी है। कंपनी ने कानून ने कहा हिंदुस्तान के
कि आप किसी को अपना मेंबर बनाओ, फिर वो दूसरे मेंबर बनाएगा, वो मेंबर बनाएगा, उस पर कमीशन दिया जाएगा, ये गैर कानूनी है। इन लोगों ने बहाना क्या किया, इन लोगों ने सामान में दरमियान में कोई सामान ले आया, दरमियान में कोई सामान ले आया छोटा सा जी, है मार्केट में, मार्केट में हो सकता है सामान 50 रुपए का हो, आपको सामान 1000-2000 का बेचेंगे। अब वो जो कानून है उस कानून से बचने के लिए, लेकिन हमारी शरीयत में इन तमाम पेचीदगियों का हल पहले से मौजूद है। हम पहले से कह रहे हैं कि अगर सामान मकसूद नहीं है तो दरमियान में लाने से कोई भी फायदा नहीं है। अभी जो मसला चल रहा है यूट्यूब पे, उसमें असल में एक बिजनेस का कोर्स है, बिजनेस का कोर्स है जिसे 50,000 में बेचा गया है। अब जिन्होंने खरीदा है वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई फायदा नहीं है, और उनको लालच ये दिया गया था कि आप इससे कम से कम 10 लाख कमाओगे। अब वो जब नहीं पा रहे हैं तो शोर मचा रहे हैं, और यही बात हम मौलवी लोग जमाने से लोगों को बता रहे हैं, तो लोगों को बात समझ में नहीं आती है। असल में छोटा लोगों को बस नहीं होता है ना शेख, बड़े बिजनेस के चक्कर में छोटा मोटा बिजनेस भी बंद करवा दिए लोगों ने अपना। असल में शेख हर्षद क्या है ना, इसमें जो है असल बहुत सारे लोगों का बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे में मिजाज है शॉर्टकट चाहिए, रातों रात अमीर बनना है। भाई दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज, कोई बिजनेसमैन आपको फ्री में नहीं देता है, आप इस धोखे में मत रहिए। शॉर्टकट नहीं है कोई, सिर्फ तरीका है मेहनत करो और कमाओ। शॉर्टकट नहीं है कि वो आपसे जो है आप मेंबर बन जाइए और लाइए। मतलब अगर हम यहां मिसालें अभी देने लगे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते अपने प्रोग्राम में, ऐसी कितनी स्कीमें हैं, लोगों ने करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों में घोटाले किए और आखिर में पब्लिक जो है हाथ मलते रह गई। बिल्कुल बिल्कुल।